उस्तादी, दूसरी और आखिरी किस्त। शुरू में तो ऐसा लगा था कि बड़े भाई और छोटे भाई में पानी पत चढ़ जाएगी, मगर दो तीन दिन बाद महसूस हुआ कि ये सूरत हाल किसी हद तक कंट्रोल में आ गई है। एक दो साथी स्टूडेंट्स की जुबानी भी मुझे पता चला कि कासिम साहब और हसनात भाई में वन टू वन मुलाकात हुई है और कासिम साहब का पारा कुछ नीचे आ गया है। हम नीली कार वाले चार मालिकान को टटोल चुके थे, अब पांचवें की बारी थी। उसका नाम शाहिद महमूद था और वो एक डॉक्टर था। उससे मिलना और उसकी टोल लेना काफी आसान था। शाहिद महमूद घर में भी शाम के वक्त क्लिनिक चलाता था। हम बतौर मरीज उसके पास जा सकते थे और इसमें ऐसा झूठ भी क्या था, मरीज इश्क तो था ही मैं। बात सिर्फ 700-800 रुपए फीस की थी और मैं ये भरने के लिए तैयार था। हम सुपहर के वक्त हसनात साहब की अजूबा कार में निकले और जीटी रोड की तरफ रवाना हुए। डॉक्टर शाहिद महमूद की कोठी उसी इलाके में थी। हमने एक जगह सिनेमा की पार्किंग में गाड़ी खड़ी की, उससे आगे हमें पैदल जाना था। हम एक भरी पूरी सड़क से गुजर रहे थे जब हसनात भाई बुरी तरह चौंके। उन्हें अपने अकब में कोई बंदा नजर आया। मैंने भी मुड़कर देखा, ये शलवार कमीज वाला हट्टा कट्टा शख्स था और हुजूम में से रास्ता बनाता हुआ तेजी से हसनात भाई की तरफ आ रहा था। साथ साथ वो हाथ से कुछ इशारे भी कर रहा था। हसनात भाई का रंग उड़ गया, मेरा हाथ थाम कर वो तेजी से चलने लगे, फिर सरेरा एक होटल में घुस गए। कौन है ये, मैंने पूछा। एक एजेंसी का बनता है, वो हकलाए। होटल में रश था, हसनात भाई सीधे बाथरूम की तरफ गए। मैं सटपटाया हुआ वहीं खड़ा रहा। वो हट्टा कट्टा शख्स दंदनाता हुआ होटल में दाखिल हुआ और चारों तरफ देखने लगा। मुझ पर भी उसकी नजर पड़ी, लेकिन उसने सिर्फ हसनात भाई को देखा था और अब उन्हीं को ढूंढ रहा था। वो सख्त ऐश में था। उसने हर तरफ नजर दौड़ाई, फिर तनकर होटल के बैरूनी दरवाजे पर खड़ा हो गया। या अल्लाह खैर, मैंने दिल ही दिल में कहा। कुछ देर बाद बाथरूम का दरवाजा खुला और मैं दंग रह गया। मेरा तो ख्याल था कि हसनात भाई खाली बाथरूम में दाखिल हुए हैं, मगर उसमें से तो एक और भाई साहब भी निकल रहे थे। उनकी खिचड़ी दाढ़ी और होठों पर झुकी हुई भारी मूछें थी। उन्होंने नीले रंग का एक डब्बीदार कोट पहन रखा था और नाक काफी चपटी थी। मैं हैरतजदा से उनकी तरफ देख रहा था जब उन्होंने मेरे कान में फरमाया, चलो आ जाओ। मैं उछल कर रह गया। यह हसनात भाई ही थे। वाह, क्या जासूसी कहानियों जैसा धोबी पटका मारा था उन्होंने। हकीकी जिंदगी में तो ऐसा कम ही होता है। मैं वाकई शशदा रह गया। उन्होंने अपना कोट उलट कर पहन लिया था, उसे दोनों जानिब से पहना जा सकता था। बड़ी नफीस दाढ़ी मुझ चिपका ली थी और नाक में वही स्प्रिंग फंसा लिए थे जो शक्ल को क्या से क्या बना देते थे। रही सही कसर मोटे शीशों की ऐनक ने पूरी कर दी थी, जिसकी वजह से उनकी आंखें दुगनी बड़ी नजर आ रही थी। वो बड़े एतमाद से होटल के दरवाजे की तरफ बढ़े और हट्टे कट्टे शख्स के पास से गुजरते हुए राहगीरों में शामिल हो गए। मैं उनसे एक कदम पीछे चल रहा था। जैसा कि दो तीन दिन बाद मालूम हुआ, वो शख्स किसी एजेंसी का बंदा नहीं था बल्कि एक छोटी सी मोबाइल फोन शॉप चलाता था। उससे हसनात साहब वक्तन फवक्तन इजी लोड करवाते रहते थे। अपनी चल सुबानी की बदौलत वो उस बेचारे से अब तक उधार करीबन 2500 का इजी लोड करवा चुके थे और नादहिंदा बने हुए थे। बहरहाल अभी ये किस्सा खत्म नहीं हुआ था। तब्दील शुदा होलिये के साथ हम होटल से आधा पौन किलोमीटर दूरी आए होंगे कि एक गोशे से दो अफराद औकाब की तरह हसनात भाई पर झपटे और उन्हें उठाकर एक फल फरोश की रेहड़ी पर दे मारा। वो उनको गिरेवान से खींच रहे थे और चिल्ला रहे थे। शोर सुनकर दो अफराद मजीद आ गए और उस कार खैर में शमूलियत इख्तियार की। गंदम के साथ घुन भी पिसता है, एक जोरदार घूंसा मुझे भी लगा। कुछ लोगों ने दरमियान में आकर बीच बचाव करवाया। हसनात की दाढ़ी एक तरफ से खिसक गई थी, जिसे उन्होंने बाएं हाथ से दबा रखा था और यही जाहिर कर रहे थे कि यहाँ चोट लगी है। किसी न किसी तरह वो दाढ़ी को उसके असल मकाम पर रखने में कामयाब रहे। खिचतानी में उनकी नाक के एक नथने में से स्प्रिंग भी निकल गया था। अब एक तरफ से पिचकी हुई नाक मजीद मजायका खेज लगने लगी थी। ये लोग हसनात भाई पर मुसलसल चिल्ला रहे थे। उनकी गुफ्तगू में मुनासिब जगहों पर नाकाबले अशाद गालियां भी शामिल थी। जो कुछ मेरी समझ में आया उससे मुझे यही पता चला कि हसनात भाई को आड़े हाथों लेने वाला एक करीबी मोटर वर्कशॉप का हेड मिस्त्री है। हसनात भाई ने पिछले साल इस वर्कशॉप से अपनी खटारा कार का इंजन तब्दील करवाया था और फिर लंबी ट्राई का बहाना करके निकल गए थे। बड़ी नाजुक सूरत हाल थी, पुलिस को बुलाने तक की नौबत आ सकती थी। हसनात भाई लरसते कांपते मेरी तरफ आए और एक तरफ ले जाकर धीरे से बोले, तुम्हारे पास 6000 रुपए होंगे। खुशकिस्मती से इतने रुपए मेरी जेब में मौजूद थे, मैंने ये रुपए उनको दे दिए। काफी तगुदू के बाद उन्होंने वर्कशॉप के बिफरे हुए मालिक और हेडमिस्ट्री से अपनी जान छुड़ाई। जासूसी और छानबीन का सारा मजा किरकिरा हो चुका था, इसीलिए हम अपना आज का मिशन अधूरा छोड़कर वापस ट्रेनिंग सेंटर की तरफ चल दिए। रास्ते में मैंने पूछा, ये कैसे हो गया असनाथ भाई।
इसी को कहते हैं बैड लक। भेस बदल कर हम एजेंसी के बंदे यानी इजी लोड वाले से तो बच गए, मगर ये जो दूसरी पार्टी है ना, उसने पहचान लिया। दरअसल उन्होंने मुझे इसी दाढ़ी मूछ वाले रूप में देखा हुआ था। यानी अगर आप अपने असली हुलिया में होते तो उनसे बच जाते। हाँ, ये कहकर उन्होंने उदास बकरे की तरह गर्दन झुका ली। नाजुक सूरत हाल के बावजूद मैं वह मुश्किल अपनी हंसी रोक सका। जिसे वो अपनी बैड लक कह रहे थे, वो दरअसल शामत अमाल थी। खेचैतानी के दौरान में उनका पांव बुरी तरह मुड़ गया था और वो लंगड़ाकर चल रहे थे। इस मोच की वजह से मेरे लिए बड़ी मुनासिब सूरत हाल पैदा हुई, उसका जिक्र आगे चल कर आएगा। बहरहाल बाकी सारे रास्ते में हसनात भाई ने मुझे ये बावर कराने की कोशिश की कि वर्कशॉप वालों ने बिल्कुल नाजायज पैसे लिए हैं। वो उन्हें मजा चखा सकते थे, लेकिन सिर्फ इसलिए चुप रहे कि इस लड़ाई की वजह से एक मकामी माफिया को जबरदस्त फायदा पहुंच सकता था। माफिया का लफ्ज़ जगह जगह इतने तवातुर से इस्तेमाल करते थे कि अब तो मेरे मुंह से भी कभी कभी आफिया की जगह बेसाख्ता माफिया निकल जाता था। अगले दो दिन हसनात भाई ने अपनी चोटों की टकोर करने में गुजारे। इस दौरान में एक बार कासिम साहब की अकेडमी में तशरीफ लाए। उनका पारा बिल्कुल ठंडा नजर आ रहा था। उन्होंने हसनात भाई से भी सीधे मुंह बात की, चाय की चुस्कियां भी ली। जल्दी मुझे इस काया पलट की वजह भी समझ में आ गई। हसनात भाई की फीमेल स्टूडेंट यानी लेडी कमांडो अफशा कासिम भाई के आगे पीछे घूम रही थी। हसनात भाई के एक शागिर्द अनवर उर्फ खलनायक ने मेरे कान में सरगोशी की। हसनात भाई का फेंका हुआ कांटा निकल लिया कासिम भाई ने। ठीक ही कहते हैं कि चालाक औरत अरस्तु जैसे दानिश्वर को भी घोड़ा बनाकर उस पर सवारी कर सकती है। खलनायक ने उस रोज मुझे अफशा के बारे में मजीद बातें भी बताई। पता चला कि ये बीबी अकेडमी के अवलीन शागिर्दों में से है। शुरू शुरू में हसनात भाई का इरादा था कि इससे शादी फरमाएंगे और चंद सालों में तेजी से बच्चे पैदा करके अपने घर ही की एक सीक्रेट सर्विस बना लेंगे, मगर ये बीबी बेरारो निकली। ट्रेनिंग के बाद उसने समाज दुश्मन अनासर को कुचलने की वजह चोरियां शुरू कर दी। 8-10 माता गायब रही, फिर एक रोज पता चला कि सराय आलमगीर की खावालात में बंद है। हसनात भाई ने बमुश्किल उसकी जमानत करवाई। अब ये फिर ट्रेनिंग वगैरह ले रही है, मगर अब उससे शादी का ख्याल हसनात भाई ने दिल से निकाल दिया है। चंद रोज के अंदर ही अफशा ने कासिम भाई का सारा जहर निकाल दिया था। वो रेशा खत्म ही हो रहे थे, बल्कि एक दिन तो उन्होंने हमारी अकेडमी का सरसरी सा दौरा भी फरमाया। हम अपनी ट्रेनिंग में मसरूफ थे, मेरी कुफल छिकने की क्लास हो रही थी। हसनात भाई हम दो लड़कों को बता रहे थे कि हजमी कुफल में अंदर की तरफ लगी हुई चाबी को किस तरह बाहर निकाला जाता है। उन्होंने दरवाजे के निचली दरस में से एक चौड़ा अखबार अंदर घुसा दिया था और एक आहनी सलाई से चाबी को छेड़कर उसे अखबार पर गिराने की कोशिश फरमा रहे थे। फरबानदाम कासिम भाई अफशा के हमरा अंदर दाखिल हुए, कुछ देर खामोशी से मुआयना करते रहे, फिर जूडो कराटे की क्लास की तरफ निकल गए। उनके तासरात से साफ जाहिर था कि वो सारे बखेड़े को नालायकी का उरूज समझते हैं, लेकिन चश्मपोशी कर रहे हैं। तेज तरार अफशा उन्हें साथ साथ ब्रीफिंग भी दे रही थी। मैंने कासिम साहब को शुरू में बताया था कि मैं एकेडमी के शागिर्दों में शामिल नहीं, अब यह झूठ भी खुल गया था। बहरहाल अफशा के होते हुए अब कोई डर खतरे वाली बात नहीं थी। वो अपनी शो हरकतों से अधेड़ उम्र कासिम साहब को कम अज कम वक्ती तौर पर तो मस्मराइज करने में कामयाब थी। मेरा अंदाजा था कि एक बार वो कासिम साहब की टोयोटा पर मशकूक किस्म की लॉन्ग ड्राइव पर भी जा चुकी है। तीसरे दिन मुझे अकेले ही नीली कार वाली तफ्तीश पर निकलना पड़ा। वर्कशॉप वालों की इज्जत अफजाई के बाद हसनात साहब के पांव में जो मोच आई थी वो अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी और वो अभी तक खुद को रिटायर्ड हेड तसव्वुर कर रहे थे। उन्होंने अपने एक अहमक शागिर्द का खस्ता हाल स्कूटर मुझे फराहम कर दिया था। मुझे पता था कि वो इस स्कूटर का किराया भी अपने बिल में एडजस्ट करेंगे। नीली कार वाले जिस पांचवें एड्रेस पर मुझे पहुंचना था वो मुझे असगर हो गया था। जैसा कि मैंने बताया है, ये एक शाहिद महमूद नामी डॉक्टर साहब थे। मैं बतौर मरीज उनके पास हाजिरी दे सकता था और क्लिनिक के किसी मुलाजिम से मजीद सुनगुन भी ले सकता था, लेकिन ये सारी प्लानिंग धरी की तरी रह गई। वो कुछ हुआ जिसकी तवक्को नहीं थी। अभी मैं क्लिनिक के करीब पहुंचा ही था कि दो अफराद क्लिनिक से निकलते नजर आए। मेरे सर पर जैसे किसी ने 100 किलो का बम फोड़ दिया। उन दो अफराद में से एक तो फरबान दाम कासिम साहब थे, दूसरी सरोकत व आहू चशम आफिया थी। वो कतरे कमजोर बल्कि बीमार नजर आती थी। कासिम साहब के साथ सर झुकाकर चलती वो उनकी टोयोटा कार में आन बैठी। वो दोनों वहां से रवाना हो गए। मैंने अपने सर पर दौड़ते दिल को बमुश्किल संभाला और स्कूटर पर टोयोटा के पीछे रवाना हो गया। 15 मिनट का यह सफर रिहायशी इलाके की कोठी पर खत्म हुआ। गेट पर कासिम जाकी नेम प्लेट लगी हुई थी। बिलाखिर मैंने माफिया, मेरा मतलब है आफिया का सुराग पा लिया था, लेकिन जहन में बहुत से सवाल भी उभर रहे थे, जिनमें से अहम तरीन सवाल यही था कि कासिम भाई से माफिया, मेरा मतलब है आफिया का क्या ताल्लुक है। फिर एक ख्याल बिजली की तरह जहन में कूदा, कहीं यही तो आफिया की ताया जान नहीं। एन मुमकिन था कि आफिया ने उनका नाम गलत बताया हो। अगर ऐसा था तो फिर यह भी हो सकता था कि उसने अपना नाम भी गलत बताया हो। इसी दौरान में मैंने एक नौजवान पठान लड़के को कोठी में से निकलते देखा। उसके हुलिये से जाहिर था कि वो ड्राइवर या घरेलू मुलाजिम है।
वो साइकिल पर एक तरफ रवाना हो गया। मैं उसका पीछा करने लगा। वो एक टर्न सर्विस के पास जाकर रुका। मैं भी स्कूटर से उतरकर उसके करीब जा खड़ा हुआ। वो टर्न सर्विस वाले से कोठी की लाइटिंग और शामियाना वगैरह के बारे में मालूमात हासिल कर रहा था। मेरे दिमाग में खतरे की घंटियां बज उठी। कहीं ये आफिया की शादी की तैयारियां तो नहीं हो रही थी। मेरा मुंह खुश्क हो गया, सीना सुलग उठा। अब मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता था। लड़का मालूमात लेकर फारिग हो चुका था। मैंने आगे बढ़कर उससे अलग से लग की। मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। जी फरमाए। हम सुन रहा है? यहाँ नहीं बिरादर, अहम बात है, बैठ कर करने वाली है। वो जरा तजब्जुब में रहने के बाद बैठ गया। मैंने सटपटा कर कहा, यहाँ नहीं बैठना बिरादर, आओ मेरे साथ। करीबन 10-15 मिनट बाद हम करीबी रेस्टोरेंट में बैठे दूध पत्ती पी रहे थे और सिगरेट के कश लगा रहे थे। रहीम नामी ये लड़का काफी अरसे से कासिम भाई का घरेलू मुलाजिम था। बहरहाल आजकल वो उनसे बहुत नाला था। रहीम को मुकम्मल तौर पर शीशे में उतारने में मुझे आधा पौन घंटा लग गया। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं लाहौर में उसे अपनी कालीन फैक्ट्री में जबरदस्त मुलाजमत दे सकता हूँ और उसके दिन फिर सकते हैं। इसके अलावा कोशिश करके मैंने उसे थोड़ी नकदी भी दी। धीरे धीरे रहीम गुल ने बोलना शुरू कर दिया। उसकी गुफ्तगू से मुझ पर पै तैपे इंकशाफात हुए। पहला इंकशाफ तो यही था कि कासिम भाई ही आफिया के ताया अब्बू हैं, और दूसरा इंकशाफ ये था कि आफिया का वो नाम जिससे उसे पुकारा जाता है आफिया नहीं महनाज है। आफिया का तो किसी को पता ही नहीं था। ये नाम उसके दादा मरहूम ने रखा था, यानी पूरा नाम महनाज आफिया था, लेकिन इस्तेमाल महनाज ही होता था। और अब परसों उसकी शादी की रस्म धूमधाम से अंजाम दी जा रही थी। दीगर लोगों की तरह रहीम गुल को भी मालूम था कि महनाज आफिया की शादी उसकी मर्जी और मंशा के बगैर की जा रही है, और इसमें उसके ताया का मतलब पोशीदा है। वो अपने अमीर कारोबारी दोस्त से रिश्तेदारी बनाकर कारोबारी फायदे हासिल करना चाहता है। ये भेद भी खुला कि आफिया ने एहतियातन अपने तायब्बू का असल नाम ही नहीं, असल काम भी छुपाया था। वो सरकारी मुलाजिम नहीं बल्कि सरकारी ठेकेदार थे। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर मुख्तलिफ तामीरात के ठेके लेते थे। शायद उन्होंने कोई एकाध सड़क भी बनाई हो। रहीम गुल ने एक और अहम इंकशाफ करते हुए कहा, छोटी बीबी ने कुछ दिन पहले घर से भागने की कोशिश भी की थी। उसके बाद से कासिम साहब ने उस कोठी के पिछले कमरे में उसे बंद कर छोड़ा है। वो कहता है शादी के बाद ही उसे वहां से निकालेगा, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने उन दोनों को कहीं बाहर से आते देखा है। वो छोटी बीबी को डॉक्टर शाहिद साहब के पास लेकर गया था उसके दवा दारू के लिए। ये डॉक्टर शाहिद ठेकेदार साहब का गहरा दोस्त है ना? एकदम मेरे जहन में नया ख्याल आया। मैंने पूछा, अच्छा कभी ऐसा भी हुआ है कि ठेकेदार साहब ने डॉक्टर शाहिद की कार इस्तेमाल की हो? मेरा मतलब एक दो दिन के लिए उनकी कार लेकर कहीं गए हों? रहीम ने अपनी गर्म टोपी उतारकर सर गुजाते हुए कहा, हाँ जी कभी कभार ऐसा हो जाता है। ऐसा भी पिछले ही दिन हुआ है। ठेकेदार जी छोटी बीबी को लाहौर लेने के लिए डॉक्टर जी की कार पर ही गया था। उसका अपना गाड़ी जरा खराब था। अब सारी बात मेरी समझ में आ रही थी, कड़ी से कड़ी मिल गई थी। ठेकेदार कासिम भाई डॉक्टर शाहिद की कार पर लाहौर से आफिया को लेने गए थे और मैंने उस कार का अधूरा नंबर पढ़ा था। रहीम गुल ठेकेदार कासिम भाई के जाती मामला से खुश नहीं था। उसे उनके चाल चलन के हवाले से भी शिकायत थी। अब ये बात भी उसके लिए तकलीफ दे थी कि जनाब ने एक ऐसी लड़की से इश्क लड़ाना शुरू कर दिया है जो उसकी भतीजी आफिया से 2-4 साल ही बड़ी होगी। रहीम गुल का इशारा यकीनन हसनान भाई की फीमेल स्टूडेंट अफशा की तरफ था। बहरहाल इन सारी बातों से मुझे कोई ताल्लुक नहीं था। मेरा ताल्लुक तो आफिया से था और उस जबरदस्ती की शादी से था जो 2 रोज बाद होने जा रही थी। रहीम की बातों से साफ पता चलता था कि आफिया इस शादी से हरगिज खुश नहीं है। उसने अपने ताए के शिकंजे से निकलने की नाकाम कोशिश भी की थी और अब बीमार पड़ी हुई थी। अब मुझे जो कुछ करना था वो फौरी तौर पर करना था। अब तो मैं हसनान भाई से भी मदद नहीं मांग सकता था। उनके गुमान में भी नहीं था कि मैं जिस लड़की को ढूंढने यहाँ वारिद हुआ हूँ और जगह जगह की खाक छान रहा हूँ वो उनकी भतीजी है और उनके जाबिर बड़े भाई की तहवील में है। रहीम गुल मासूम था, लेकिन इतना भी नहीं। उसके जहन में यकीनन खुतबुत जारी थी। वो जानना चाहता था कि मैं ठेकेदार कासिम की भतीजी के सिलसिले में इतनी दिलचस्पी जाहिर क्यों कर रहा हूँ। आखिर उसने पूछ ही लिया, कामरान भाई हम पूछना चाहते हैं कि छोटी बीवी साहब का क्या ताल्लुक है? बड़ा पाक ताल्लुक है रहीम गुल, क्या छोटा बीवी आपका बहन है? मेरा दिल चाह के चायदाने उसके सर पर दे मारो। वो शादी से पहले ही मेरा निकाह तोड़ना चाह रहा था। मैंने मुनासिब अल्फाज में उसे समझाया कि इसके अलावा भी बहुत से पाक रिश्ते होते हैं जिनमें एक दूसरे का दुख दर्द दिल की गहराइयों से महसूस किया जाता है। मैं समझ गया कि रहीम गुल मेरी जितनी मदद कर सकता था कर चुका था। वो इससे आगे नहीं जा सकता था। अब इस घर में जो कुछ भी करना था मुझे अकेले ही करना था। मैंने तेजी से मंसूबाबंदी शुरू कर दी। वो जहलम की एक सर्द रात थी। दरिया की तरफ से ठंडी हवा आ रही थी। यही कोई 12 बजे का वक्त होगा।
मैं मोहतरम हसनात भाई के फराम करदा स्कूटर पर खामोशी से निकला और उसी कोठी में पहुंच गया जिसके गेट पर ठेकेदार कासिम झा के नाम की प्लेट लगी थी। मैं हसनात भाई की ट्रेनिंग के मुताबिक दिन के वक्त बड़ी अच्छी तरह कोठी का हदूद दरबा देख चुका था। कोठी के अकम में दो खाली प्लॉट थे और घास वगैरह उगी हुई थी। मैं स्कूटर को बंद करके उन प्लॉट्स की तरफ ले गया। स्कूटर को स्टैंड पर दीवार के बिल्कुल साथ खड़ा किया। स्कूटर पर खड़ा हुआ तो 10-11 फुट ऊंची दीवार तक आसानी से हाथ पहुंच गया। दीवार के बलाई सिरे पर लोहे का जंगला था जिस पर बर्सियां से लगी हुई थी। हसनात भाई की क्लास में पढ़ा हुआ सबक मुझे अच्छी तरह याद था। मैंने अपनी वजनी जैकेट को दोहरा करके बर्सियों पर रखा और उनकी काट से बचता हुआ धम से तारीख सहन में कूद गया। सबक नंबर 12 की मिसाल नंबर 3 के मुताबिक कुछ देर वहीं बैठा सुनगुन लेता रहा, फिर पंजों के बल चलता हुआ अंदरूनी हिस्से में पहुंच गया। मेरी जेब में जो चीजें थी उनमें एक रुमाल था जो शॉपर में अच्छी तरह लपेटा गया था, एक मुड़ा थोड़ा तार था, कुछ चाबियां और इसी तरह की दीगर अशिया थी। सबसे पहले मेरा वास्ता हजमे कुफल से पड़ा। खुशकिस्मती से कुफल में अंदर की तरफ चाबी मौजूद थी। मेरी आंखों की चमक दुगनी हो गई। मैंने जैकेट की जेब से एक मुड़ा थोड़ा अखबार निकाला और उसे सीधा करके दरवाजे के निचली दरस से अंदर घुसा दिया। उसके बाद जेब से एक आहनी कील निकाली और कील की मदद से चाबी को छेड़ा। वो अंदर की तरफ फैले हुए अखबार पर गिरी। मैंने अखबार बाहर खींच लिया। वाह उस्ताद जी, दिल से बेसाख्ता आवाज निकली। मैंने चाबी से कुफल खोला और अंदर चला गया। यहाँ मैंने खिड़की का शीशा हसनात भाई की बताई हुई तरकीब के मुताबिक तोड़ा। पहले शीशा काटने वाले कलम से शीशे पर एक चौकोर कट लगाया, फिर उस कट पर गोंद वाला कागज चिपका दिया और हाथ से हल्की सी चोट लगाकर शीशा तोड़ दिया। शीशा चूंकि कागज से चिपका हुआ था लिहाजा अंदर नहीं गिरा और उसके गिरने से शोर भी पैदा नहीं हुआ। मैंने खला में हाथ डालकर अंदर से चटखानी खोली और एक मुस्ततील कमरे में घुस गया। सच कहते हैं कि मेहनत इंसान को सोना बना देती है, और अगर अच्छा उस्ताद भी मिल जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है। कल रहीम गुल की बातों से मुझे अंदाजा हो गया था कि आफिया टीवी लाउंज के साथ वाले कमरे में सोती है और उस कमरे से बाहर लाउंज में खुद ताया साहब का बिस्तर होता है। पूरे घर में ताजा रंगोरोगन की बू थी। ये रंगोरोगन भी यकीनन शादी की तैयारियों का हिस्सा था। टीवी लाउंज के एक सिरे पर मुझे ठेकेदार कासिम का बेड नजर आया। मैंने उन्हें उनके तनोतोष से पहचाना। वो सरतापा लिहाफ ओढ़े सो रहे थे। मैंने जैकेट की जेब से शॉपर बैग निकाला। उसमें क्लोरोफॉर्म से भीगा हुआ रुमाल मौजूद था। हसनात भाई ने लेक्चर के दौरान बताया था कि जासूसी दुनिया के सारे सुपरस्टार्स यानी अली इमरान, कर्नल फरीदी, हमीदी और मेजर प्रमोद वगैरह इसी तरह के रुमाल सुंघा सुंघा कर मुजरिमों को बेहोश करते थे और फिर उनको अखवा करके कायरीन से तावान वसूल करते थे। हसनात भाई की तरबियत के मुताबिक मैं कासिम भाई के सरहाने पहुंचा, रुमाल को चुटकी में पकड़ा, लिहाफ का सिरा जरा सा उठाया और रुमाल को हौले हौले उस जगह लहराना शुरू किया जहां मेरे अंदाज के मुताबिक उनकी नाक थी। इस सारी कमांडो कार्रवाई के दौरान बस यही मुझसे थोड़ी सी गलती हुई, लिहाफ की वजह से मुझे पता ना चला। कासिम भाई का सर दूसरी तरफ था और मैं पांव की तरफ रुमाल लहरा रहा था। जब अचानक पड़ली जानब से मौसूफ ने लिहाफ में से सर निकालकर मुझे देखा तो मैं खुद बेहोश होते होते बचा। उनकी बड़ी बड़ी आंखों में खौफ और हैरत का दरिया बहने लगा। इससे पहले कि वो चिल्लाते या इसी तरह की कोई और नामाकूल हरकत करते, मैं क्रिकेटर जॉन्टी रोड्स की सिफुर्ती से उन पर जा पड़ा। रुमाल मैंने बड़ी सख्ती से उनके बार जैसे मुंह में घुसा दिया और नथनों समेत पूरे चेहरे को हाथों से ढांप लिया। वो काफी जसीम और जोरावर थे, मगर जो कुछ हुआ ड्रोन की सिफुर्ती से हुआ था। वो मजाहमत भी इतनी ही दिखा सके जितनी हम ड्रोन पर दिखाते हैं। वो बेहोश हो गए। कमरे की चाबी मुझे उनके तकिए के नीचे से मिल गई। मुकफ्फल कमरे को खोलने से पहले मैंने तस्दीक की कि अंदर आफिया ही है। कीहोल में से मैंने उसकी लरस्ती कांपती आवाज सुनी तो कुफल खोल दिया। वो मुझे देखकर हैरान थी। उसके बाद जो कुछ हुआ वो मैं और आप कई रोमांटिक फिल्मों में देख चुके हैं, लेकिन सीन देखने और सीन का हिस्सा होने में बहुत फर्क होता है। वो जज्बाती मानता, वो तड़प, वो गर्मी, वो गुदास, ये सब लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। मेरे साथ चलोगी? हाँ, कहाँ तक? जहां तक तुम कहो। ये कहकर उसने चेहरा मेरी जैकेट में छुपा लिया। जी चाह के उससे पूछूं क्या वहां तक चलोगी जहां तक राजेश खन्ना लेकर गया था शर्मिला टैगोर को फिल्म आराधना में और गाना गाया था रूप तेरा मस्ताना, लेकिन ये नाजुक वक्त ऐसे जज्बात अंगे सवालों का नहीं था। हम वहां से निकल आए। कुछ देर बाद मैं हसनात के फराम किए हुए स्कूटर पर ही उनकी भतीजी को बिठाकर वहां से ले जा रहा था। इससे आगे कहानी में 2-3 मोड़ जल्दी जल्दी आए और कहानी खत्म हो गई। अगले रोज हम दोनों ने कोर्ट में जाकर शादी कर ली। उसी रोज मैंने घर वालों को अपने एतमाद में लेकर और अपनी मजबूरियां बताकर उस शादी से आगाह कर दिया और उन्होंने इस शादी को कबूल भी कर लिया। अब मुझे कोई डर या खतरा नहीं था। ठेकेदार कासिम भाई कितना भी उधम मचा लेते,
قبلہ والد صاحب بآسانی ان سے نمٹ سکتے تھے۔ ویسے بھی جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ شادی کے تیسرے دن میں نے اپنے دو دوستوں کے ساتھ بیٹھے بیٹھے ٹی وی نیوز میں ایک فوٹیج دیکھی اور اس فوٹیج نے اس سارے قصے کا مزہ دوبالا کر دیا۔ نیوز کاسٹر کہہ رہی تھی، کل جہلم کے ایک رہائشی مکان میں پھڑکنے والی آگ کے حوالے سے ایک فوٹیج ہمیں مل گئی ہے۔ ثابت ہوتا ہے کہ یہ آگ دو سگے بھائیوں کے باہمی تنازع کا نتیجہ تھی اور جان بوجھ کر لگائی گئی تھی۔ میں منظر دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ فوٹیج میں سرخ دائرے کے ذریعے جس شخص کو دکھایا گیا تھا وہ یقیناً فربا اندام قاسم بھائی ہی تھے۔ موصوف ایک بڑی لٹ لے کر ہستان بھائی کی جاسوسی اکیڈمی میں گھسے ہوئے تھے، ہر طرف توڑ پھوڑ مچا رہے تھے۔ پھر انہوں نے کلوروفارم اور اسپرٹ وغیرہ کی بوتلوں کو آگ دکھا دی۔ تب ایک دوسرے دائرے میں ہستان بھائی کو دکھایا گیا۔ دونوں سرخ دائرے آگے پیچھے دوڑے، قاسم بھائی والا دائرہ پیچھے تھا۔ قاسم بھائی نے لٹ گھما کر ہستان بھائی کی تشریف پر رسید کی، دوسری پھر تیسری۔ ہستان بھائی پھرتی سے دیوار پر چڑھ گئے اور دوسری طرف کودے۔ یہ سڑک تھی۔ شو میں قسمت ایک بھونڈا سا رکشہ تیزی سے آیا اور ہستان بھائی سے ٹکرا گیا۔ یہ چوٹ بھی غالباً وہی لگی جہاں لٹ کی چوٹیں لگی تھیں۔ ہستان بھائی دور تک لڑک گئے اور واویلا کرنے لگے، لوگ ان کے گرد جمع ہو چکے تھے۔ ان واقعات کو اب تین چار ماہ گزر چکے تھے۔ میں اور عافیہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں، میں اسے عافیہ ہی کہتا ہوں۔ رحیم گور ہماری قالین فیکٹری میں اچھی ملازمت کر رہا ہے۔ افشا کے بارے میں معلوم ہو کہ اس نے پھر منحرف ہو کر چوریاں وغیرہ شروع کر دی ہیں۔ قاسم بھائی پر آتش زنی کے الزام میں مقدمہ چل رہا ہے اور ان کی بیوی روٹ کر میکے بیٹھی ہوئی ہے۔ ہستان بھائی نے اپنے دو دوستوں کے ساتھ مل کر پراپرٹی کا کام شروع کر دیا ہے۔ دریا جہلم کے خشک راستے پر کہیں انہوں نے کوئی کالونی بنانے کا پروگرام ترتیب دیا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ جگہ دریا کے اندر ہی واقع ہو۔ کہتے ہیں کہ چھٹتی نہیں منہ سے یہ کافر لگی ہوئی۔ ہسنا صاحب بھی جاسوسی اور سنسنی خیزی کے خول سے پوری طرح باہر نہیں نکلے۔ پچھلے دنوں ان کی مجوزہ کالونی کا ایک بروشر میری نظروں سے گزرا، آپ بھی ملاحظہ فرما لیں۔ دھماکہ ٹاؤن، ایشیا میں اپنی طرز کا پہلا رہائشی منصوبہ، ہر پلاٹ قبضہ مافیا کی دسترس سے دور، انڈر ورلڈ کے لوگوں سے بھی تقریباً سارے معاملات طے، اسکول، مسجد، جاسوسی اکیڈمی، کراٹے سینٹر، دہشت گردی سے تائب ہو جانے والوں کے لیے ایک مکمل علیحدہ بلاک، ٹاؤن کی اپنی بجلی، اپنا پانی، گیس کے لیے بھی اپنا کنواں کھودا گیا ہے اور الحمدللہ گیس نکل بھی آئی ہے۔ اگر واقعی ایسا تھا نا تو یقیناً انہوں نے سوئی نادرن گیس والوں کا کوئی پائپ پھوڑا ہوگا۔ ٹاؤن میں سیکیورٹی کا زبردست انتظام ہے، 40 فٹ اونچی چار دیواری، مین گیٹ اور دیگر گیٹس پر مشین کرنے والے خوخار قبائلی چوکی دار، گلیوں میں رات کے وقت خوفناک شکلوں والے جسیم کتے چھوڑے جائیں گے جو ذرا سے بھی شک پر ہر مقامی اور غیر مقامی شخص کو پھاڑ کھائیں گے انشاءاللہ۔ تو قائرین، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں، عقل ملاحظہ کریں، عقل ملاحظہ کریں اس کی۔